तो मैं घोषित करता हूँ कि फ्रैंकलिन आज से पुलिस ऑफिसर है लॉस सेंटोस का। चौप 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 भाई, फ्रैंकलिन भाई चौप नहीं है, वहाँ पे भी आग लगी है, बुझाने मत जाना, वहाँ पे मैंने आग लगाई है। अरे ठीक है सर, ठीक है, टेररिस्ट है वो, दूसरी कंट्री का, और सर यहाँ पे आकर के ना जासूसी कर रहा है। और अरे मैं उतर जाता हूँ इसमें से, अरे अरे जवानी गई नहीं, जासूसी करने चले हो तुम। तो मैं यहाँ का लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट ये जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे लॉस सेंटोस के लिए एक बहादुर अफसर की बहुत ज़रूरत है। फ्रैंकलिन किसी कारण से चले गए थे अपने जॉब छोड़ करके, लेकिन अब फ्रैंकलिन जैसे बहादुर ऑफिसर्स की अब इस टाइम पे कमी पड़ रही है। सर सही में फ्रैंकलिन जैसे भैया बहादुर हैं। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन सर आने चाहिए, अरे हाँ फ्रैंकलिन सर आने चाहिए, अरे अरे फ्रैंकलिन सर आने चाहिए, फ्रैंकलिन सर आने चाहिए। हाँ हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, देखो फ्रैंकलिन ही आएगा, फ्रैंकलिन ने कैसे यार सब कुछ संभाला है। तो मैं घोषित करता हूँ कि फ्रैंकलिन आज से पुलिस ऑफिसर है लॉस सेंटोस का। अरे अरे सर थैंक यू, ऐसे फ्रैंकलिन ही है सबका पुलिस ऑफिसर, और फ्रैंकलिन के अंडर ही सारे पुलिस डिपार्टमेंट काम करेंगे। फ्रैंकलिन तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कार मैंने डिजाइन करवाई है, फ्रैंकलिन ये पुलिस की बनी हुई स्पेशल कार है। अरे अरे सर थैंक यू सो मच सर। फ्रैंकलिन अब तुम्हारे हाथ में है लॉस सेंटोस के सारे क्राइम मिटा दो। अरे सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सारे क्राइम मिटा दूंगा लॉस सेंटोस के। अरे फ्रैंकलिन बहुत बहादुर, मजा आएगा। अरे अब तो फ्रैंकलिन सर आगे सारे क्राइम मिट जाएंगे, सारे क्राइम मिट जाएंगे। फ्रैंकलिन इज द न्यू ऑफिसर ऑफ आवर लॉस सेंटोस। अरे यार ये लॉस सेंटोस के पास मेरा प्लेन लड़खड़ा रहा है, अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है, मेरे बीवी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, मुझे उनका इलाज करवाना है, अरे मुझे जापान जाना है बीवी बच्चों का इलाज करवाना है, लेकिन ये मेरा प्लेन ये लॉस सेंटोस के पास ही लड़खड़ाने लग गया। अरे यार मैं कैसे पहुँचूंगा जापान, अरे यार मैं जैसे, अरे अरे एक सेकेंड इसको क्या हो रहा है, अरे यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे 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 इसमें से टू आवाज़ें क्यों आ रही है, अरे मैं उतर जाता हूँ इसमें से, अरे अरे गाइस मैं बच गया, मैं बच गया, लेकिन मैं इधर कहाँ कूद गया, ये कौन सा एरिया है, अरे ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे पुलिस की आवाज़ कहाँ से आने लग गई, अरे अरे यहाँ पे गोलियाँ कौन पड़ रही है, तू कौन है, अरे अरे ये कौन आ गए, अरे अरे मैं, अरे अरे यहाँ पे क्या खलबली सी मच गई है एकदम से, अरे अरे मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूँ, अरे यार ये मैं गलत जगह पे कूद गया यार, मेरा प्लान ऐसे टाइम पे क्यों मेरे को धोखा दे दिया, अरे अरे ये मैं क्या करूँ, अरे अरे रुक जा कहाँ जा रहा है, अरे अरे सर मेरे को भी बच्चों के पास जाना है अपने, सर मेरे को जापान जाना है, सर मैं यहाँ पे गलती से गिर गया हूँ, सर आप छोड़ो। अरे अरे नहीं तू जासूसी करने के लिए आया, तू जापान से है क्या, अरे अरे सर मैं जापान से हूँ, सर मैं जापान से हूँ, तू जासूसी करने आया है, साथियों आ जाओ पकड़ो इसको, आ जाओ। अरे 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 आप लोग क्यों आ रहे हो, अरे मत आओ यार, अरे अरे मत आओ यार मत आओ, अरे यार ये क्या हो गया, अरे एकदम से क्या हो गया, मैं तो जापान जा रहा था, मेरे को अपने बीवी बच्चों का इलाज करवाना है, ये पुलिस वाले क्यों आ गए, अरे अरे तू नहीं बचेगा। तो प्रेसिडेंट साहब मैं चलता हूँ। अरे अरे फ्रैंकलिन कोई बात नहीं, जाओ पार्टी हो गई है। अरे फ्रैंकलिन सर की जय हो। अरे हाँ। और बा भाई साहब फ्रैंकलिन तू वापस से पुलिस बन गया भाई साहब, अब तो यार पूरा टोड़ा होगा। अब तो फ्रैंकलिन भैया कोई फालतू नहीं बोल सकता। अबे हाँ भाई शिंचन यार एक बार गाइस न्यूज में और आ जान दो कि यार फ्रैंकलिन ये हैं जिनके पास ये वाली गाड़ी है, तो भाई साहब यार सब ना यार चलते के साथ ही डरेंगे मेरे से। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लग रहा है अभी सीट नहीं लग जाएंगे, साइरन बजा के देखना इसमें। ले भाई साइरन बूस्ट बूस्ट सब है इसमें। ओ गाइस यार फ्रैंकलिन भैया पुलिस बन गए हैं, गाइस फ्रैंकलिन भैया कांग्रेचुलेशंस बोलो। अबे हाँ भाई तो गाइस यार आज से मुझे सारे काले धंधे मिटाने हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर यार माइकल दद्दू को यार बोल दो चेतावनी दे दो कि यार पहले से नहीं, यार मैं क्या चेतावनी दूं उनको, अरे यार वो भी तो गलत काम करते हैं। वो कोई गलत काम नहीं करते शिंचन, कुछ गलत काम नहीं है वो पहले करते थे अब नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया ठीक है, अरे फ्रैंकलिन भैया सारे गंदे काम मिटाने हैं। हाँ शिंचन सारे गलत काम मिटाने हैं भाई लॉस सेंटोस से, एक भी गलत काम नहीं रहना चाहिए गाइस है ना। और भाई साहब यार मेरे को यार भरोसा देकर के शिंचन सब लोगों ने मेरे को बनाया और वापस से उन्होंने चुना है यार। शिंचन कितनी बड़ी बात होती है ना भाई साहब, बोले बहुत बड़ी बात होती है तेरे को वापस से ऑफिसर चुना है, मतलब यार तू कितना काबिल तारीफ होगा भाई साहब। फ्रैंकलिन तेरे जैसा ऑफिसर तो हर कोई बनना चाहेगा है ना, जॉब तू भी बनना चाहेगा भाई, जा बे कबले मैं तो तेरे से ज्यादा ही अच्छा बन जाऊंगा। शिंचन ये कब इज्जत करेगा मेरी, अरे यार जब यार मैं करने शुरू कर दूंगा मतलब, अरे काम करो अपना। अच्छा समझ गया। अरे यार सो गाइस यार प्लीज यार फ्रैंकलिन भैया पुलिस बन चुके हैं इसके लिए तो लाइक कर दो। अरे हाँ गाइस यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस जहाँ पे भी क्राइम होगा ना तो फ्रैंकलिन अब यार हर जगह ताक पे रहेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया वाह फ्रैंकलिन भैया घर में ले चले के गाड़ी को। अबे हाँ भाई और जो भी क्रिमिनल्स है ना, मैं यार पहले मेरे जो भी दोस्त है ना यार लामर फामर, मैं उनको ना चेतावनी देता हूँ गाइस कि वो कोई भी क्रिमिनल वाला काम ना करे। अरे फ्रैंकलिन भैया एक चीज बताओ। अबे हाँ शिंचन। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले यार ड्रग्स के अड्डों को बंद करवाओ। अरे हाँ भाई साहब ये बात बड़ी सही बोली शिंचन ने, पहले ड्रग्स के अड्डों को बंद करवा दे। अबे हाँ यार ओके सो गाइस मेरी गाड़ी ये रही और अब नहीं।
नई गाड़ी आ गई, गैरेज में खड़ी होगी, लेकिन गाइस अब काम करना है। अरे पिकली भैया हां जन जॉब, मैंने पता है उनसे एक स्पेशल पूछा प्रेसिडेंट से। अरे क्या कि यार मैं अपने भाइयों को साथ लेकर के काम कर सकता हूं। अच्छा फिर? अबे तो यार उन लोगों ने बोल दिया कि करवा लेना, लेकिन यार तुम्हारे भाई को नुकसान ना पहुंचे। अरे यार अभी क्या नुकसान पहुंचने लगा? हां तो वो मतलब तेरी सेफ, तुम ना लोगों की सेफ्टी चाहते हैं तो यार ध्यान से रहना। अरे हां फ्रैंकली भैया, तो गाइस चलते हैं फ्रैंकली भैया ड्रग्स का अत्याचार, मतलब ड्रग्स की टट्टी निकालने जा रहे हैं। तो हां जी जासूस भाई साहब अपनी तारीफ बताइए। अरे 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 कौन है तू, जल्दी बता, मैं कर रहा है, जापान से आया है तू? नहीं सर, सर मैं जापान का हूँ, मैं वापस से जापान जा रहा था। कहाँ से आ रहा था तू? अरे अरे सर, सर 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 अरे बता ना। अरे सर सर मैं कनाडा से आ रहा था सर, मैं जापान जा रहा था वापस से सर, मैं अपने प्राइवेट जेट से आ रहा था, मेरे बीवी बच्चों की तबीयत खराब है सर, सर मुझे उनका ऑपरेशन करवाना है सर। झूठ कहता है, तू जासूसी कर रहा था, तू जेल में ही आके क्यों उतरा? अरे अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं क्यों जासूसी करूंगा? नहीं तेरी नीयत में खोट है। सर ये पता है हमें भग भी रहा था। अरे अरे भग क्यों रहा था तू फिर, जब तेरे अंदर नियत में खोट दी था? अरे सर अगर किसी पे गोली पड़ेगी तो बचने के लिए तो भागे गई ना। अरे फ्रैंकली भैया अब आ गए हो तुम क्रिमिनल एरिया में हैं शिनचैन? अरे हाँ फ्रैंकली भैया, फ्रैंकली ओ शिनचैन भाई, मैं नॉर्मल लोगों की तरह ना यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ, और यहाँ पे गाइस मैं ना छोटी वाली गन निकालता हूँ, बाद में अगर कुछ पंगा होगा ना तो बड़ी वाली निकाल दूंगा। अब भाई सब मेरे को डर आएगा इससे, अब यार मैं प्रैक्टिस कर रहा था। सो गाइस बड़े दिनों बाद यार पुलिस बनाओ ना, तो इसलिए गाइस एक सेकंड। अरे यार फ्रैंकली भैया ये पूरे ड्रग्स का अड्डा है। अच्छा रुक जाइयो। अरे अरे क्या है सर, क्या है, किधर क्यों आयो? भाई साहब नशे में लग रहा है तू। अरे अरे क्या है सर, तू बता। ओए सुन। अरे अरे क्या हो गया? अरे ओ एक ओ भाई साहब शिनचैन, अरे फ्रैंकली भैया गोली, ओ शिनचैन मारू क्या इसको? तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, यार इन्होंने मारना शुरू कर दिया है, ड्रग्स निकाल भाई। नहीं सर हमारे पास नहीं है ड्रग्स, हमारे पास नहीं है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे फ्रैंकली भैया, अरे अरे पुलिस कहां से आ गई? ओए चौप 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 फ्रैंकली भैया, चौप नहीं है भैया, कौन है फिर ये? भाई साहब के लिए मैं तो गाड़ी बेहू। अबे भाई साहब शिनचैन तू छुप के रहियो भाई साहब, यार दूसरी गन निकालनी पड़ेगी, आज मैं सारे धंधे बंद करने के लिए आया हूँ। ओए हट जाओ यहाँ से, ड्रग्स निकालो। नहीं हम अपने अड्डे को नहीं फोड़ने देंगे, तेरा अड्डा फूट गया है। अरे फ्रैंकली भैया शिनचैन तेरे को चोट में लगा सकते हैं, फ्रैंकली भैया सबको मार दो। अबे हाँ भाई साहब, यार गाइस देख रहे हो ना यार, इन लोगों का अड्डा तो मेरे को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार ये यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम है। तो 3। अरे फ्रैंकली भैया सबको मार दोगे? शिनचैन ले आजा, चल शिनचैन हो गया काम अपना खत्म। तो गाइस पहला क्राइम तो हमने यार मतलब पहले क्रिमिनल एरिया तो यार हमने बंदी कर दिया, और यहाँ के सारे क्रिमिनल्स को हमने मार दिया, ढेर कर दिया। भाई साहब कल ऐसा कोई नहीं होता भाई साहब, जो पहली ड्यूटी में भाई साहब इतने सारे एनकाउंटर कर दे। शिनचैन आप भी जाना। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई साहब। तो गाइस अब पहला एरिया तो हमने खत्म कर दिया है, अब चलते हैं हम। अरे फ्रैंकली भैया, ओए रुक जा, इसको फायर ब्रिगेड वाले को मना करो। ओए फायर ब्रिगेड वाले, अरे कौन हो? ओए देख रहा है। अरे अच्छा, सर 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 फ्रैंकली सर। अरे हाँ नया ऑफिसर तुम लोगों का, एक बात सुनो। अरे क्या हो गया सर? उधर ना अड्डे पे जहाँ पे भी आग लगी है बुझाने मत जाना, वहाँ पे मैंने आग लगाई है। अरे ठीक है सर, ठीक है सर, हमें क्या पता था ये आपने करवाई है, ठीक है बुझाने मत जाना। अरे सर बिल्कुल नहीं बुझाएंगे सर, आपका करा हुआ काम हम क्यों बिगाड़े। अरे फ्रैंकली भैया आप कौन सी जगह पे? शिनचैन यहाँ पर होते हैं भाई काले धंधे, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर के यहाँ पे अत्याचार होता है। अरे फ्रैंकली भैया कौन सी जगह है? देख शिनचैन। अरे फ्रैंकली भैया सब डरने लगे आपसे। डरेंगे नहीं क्या? अरे फ्रैंकली भैया चौप भाई, तेरे जैसे कुत्ते ना बहुत हो रहे हैं। भाई साहब के लिए मेरी ब्रीड है ही इतनी फेमस, चलना दिमाग खराब मत करो भाई साहब। ओके सो गाइस यार यहाँ पर जाता हूँ मैं। फ्रैंकली भैया यहाँ पे मारो इस क्रिमिनल को। रुकियो। अरे अरे क्या है सर, इधर क्या कर रहा है? अरे सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। ऑफिसर चले जाए यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे जा, तेरे जैसा हर रोज देखे हैं। अच्छा हर रोज देखे हैं ना, अभी बताता हूँ शिनचैन इनके लोगों को। अरे फ्रैंकली भैया सबके क्राइम धंधा बंद कर दो। ओए चल यहाँ से, निकल यहाँ से। क्या है बे, निकल खुद यहाँ से भाई साहब, ऑफिसर बनकर के ज्यादा बैठेगा। तो गाइस अब आए ना ये बाहर निकल के चूजे कहीं के। अरे फ्रैंकली भैया शिनचैन अंदर के साइड आ जा, अंदर के साइड आ जा। अब भाई साहब कहो जितने भी हो सबको मार दे भाई, मैं मार तो दूंगा। एक सेम दो, एक को मार दिया गाइस, अब कहां पे एक को है? निकल सालो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहां पे चल लेते ना इनके काले धंधे, सब जला दूंगा गाइस यार, इनके सारे काले कामों को जला दूंगा। ओहो मैडम जी कहां पर हो? हटो यहां से हटो, क्राइम मिटाना था और मैंने यहां पे क्राइम मिटा दिया है। अरे फ्रैंकली भैया और भी है, भर रुक जा बेटा,
रुक जा। अरे फ्रैंकलिन भाई साहब कलो सब बाहर भाग के जा रहे हैं, रुक जा एक सेकंड इनकी ऐसे की तैसी। भाई साहब अरे फ्रैंकलिन भैया उनकी क्या गलती थी? भाई साहब ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। और भाई साहब एक सेकंड गाइस यार सबकी मैंने टट्टी निकाल दी है यहाँ पे। गाइस यार मैंने सारे क्राइम का सफाया कर दिया है, शिनचैन आके बैठ। भाई साहब कलो कुछ लड़कियां ना यहाँ से भाग के चले गए, भाई साहब उनके हाथ में गांजा था। अच्छा भाई भाई साहब और गांजा बहुत था बुरी तरीके से। ओ बेटे की जान चल छोड़ यार चौप अब क्या करें, लेकिन यार हमने इतनी सारी सफाया कर दिया गाइस। गाइस इस काम के लिए तो यार गाइस वेल्डन बोल दो। अरे यार वेल्डन मैं बोलता हूँ यार, शेर जियो मेरे पुत्र। पुत्र क्यों बोल रहा है वे? मेरे से सामान लड़ा था। अरे ऐसा करो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप ऐसा करो एकदम से ना फ्रैंकलिन सर को कॉल लगा। फ्रैंकलिन? अरे हाँ फ्रैंकलिन सर को कॉल लगाता हूँ यार। फ्रैंकलिन सर हमारे नए ऑफिसर तुम्हें देखेंगे, उनसे फोन करके बुलाता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन सर। अरे हाँ अरे अरे फ्रैंकलिन सर यहाँ पे ना एक ना व्यक्ति आया टेररिस्ट है, वो दूसरी कंट्री का है और सर यहाँ पे आकर के ना जासूसी कर रहा है और सर ये डायरेक्ट हमारी जेल के ऊपर छत पे कूद गया है। क्या? अरे हाँ सर वो जेल की छत पे कूद गया है सर यार जल्दी से, और जहाँ पे हमारा थिंक टैंक है ना जहाँ पे हमारी डिसीजन लेने की जगह होती है वहाँ पे जाकर के कुछ जासूसी कर रहा था। सही बता सर मैं? अरे हाँ जी सर मैं क्यों झूठ बोलूँगा, चल ठीक है मैं आया। अरे हाँ सर हमने पकड़ के रखा हुआ है। सर मैं तो कह रहा था इसका एनकाउंटर कर देते। अरे अरे मेरे क्या मेरे बीच में तो अरे यार मेरी इन्वेस्टिगेशन तो हमने कुछ करी ही नहीं और एनकाउंटर। अरे नहीं मेरे बीवी बच्चे की तबीयत खराब है। अरे नहीं अब तो तुझे फ्रैंकलिन सारी बताएंगे। तो जासूस उसका आ गया लॉस सेंटोस में। भाई साहब कह लो जासूस की तो टट्टी निकाल दियो बिल्कुल ही। अबे हाँ भाई ओके सो गाइस यार अब देखते हैं कौन सा जासूस आ गया। भाई साहब हद होती है मेरे होते हुए पता नहीं यार ये कौन सा जासूस पैदा हो गया। तो गाइस चलो मैं पहुंचता हूँ फिर बाद में आपसे मैं बात करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया किस रास्ते से जा रहे हो? अबे यार ये गाइस यार जेल भी ना मैंने पिछले टाइम देखी थी तो यार मैं भूल गया। भाई साहब कलो यार यहाँ पे गोलियां थोड़ी पड़ती है। भाई पड़ेगी मैं तो यार जानबूझ के पढ़वाऊंगा तुम लोगों को। भाई साहब ये कौन सी बात हो गई तू जानबूझ के पढ़वाएगा? अबे रुक जा यार। ओके सो गाइस यार शिनचैन जगह देखियो यार जल्दी से यार। ओके सो गाइस यार मेरे को चलना है, मेरे को देखना है भाई साहब कहाँ पे ये जासूस आ गया है और जासूस की तो टट्टी निकालनी है। अरे फ्रैंकलिन भैया यार हमारे लॉस सेंटोस पे ऐसे नजर मारने वाले। अबे शिनचैन बहुत लोग हैं भाई साहब पता है लॉस सेंटोस में यार अभी ना खजाना वजाना छुपा पड़ा। ओके सो गाइस यहाँ से जगह है। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे ले लो। अबे यहाँ से एक सेकंड यार बंद पड़ा है यार यहाँ पे कहाँ पर है भाई साहब? अरे अरे फ्रैंकलिन सर पीछे। अरे पीछे कहाँ पे? अरे फ्रैंकलिन सर इधर। अच्छा ये रहे। ओहो क्या हाल है भाई साहब? अरे फ्रैंकलिन सर कहाँ गोली बोली? अरे यार कुछ नहीं यार क्राइम व्राइम देखा नहीं अभी ड्रग्स व्रग्स को मिटा करके आया हूँ भाई साहब पूरे कम से कम अभी मैं 20-30 एनकाउंटर करके आया हूँ। अरे सर एक साथ? अरे भाई साहब सर पहले दिन ही 20-30 एनकाउंटर। अरे हाँ मेरे फ्रैंकलिन भैया बहुत एक्सपर्ट है। शिनचैन तू क्यों डर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया यार यहाँ पे गोली ना पड़ेगी। अबे पागल है तेरे को क्यों गोली पड़ेगी? अरे अरे सर शिनचैन ऐसे क्यों कर रहा है? अरे यार ये ऐसे ही है। बता कौन है जासूस? अरे सर ये जासूस। अच्छा बेटे ओहो बेटा जवानी गई नहीं जासूसी करने चले हो तुम, कहाँ का ये? अरे सर बोला है कनाडा से आया था मैं। कनाडा से आया था ये पिल्लू? ओए रुक जा एक सेकंड ओए कहाँ का है तू? अरे सर मैं कनाडा से आया था, मैं अपनी बीवी के पास जा रहा था, मेरी बीवी बच्चों की तबीयत खराब है सर, मुझे जापान जाना है और यहाँ पे सर मेरा प्लेन क्रैश हो गया जो मैं इधर आके गिर गया। क्या तेरा प्लेन क्रैश हो गया? भाई साहब किससे जा रहा था तू? सर प्राइवेट जेट से जा रहा था जापान के लिए। अरे छोड़ यार रुक जा एक सेकंड, ऐसा कर यार तू इन्वेस्टिगेशन कर ली इसकी? सर मेरे को जितना पूछा ना मैंने पूछ लिया, बाकी आप देख लो। अच्छा ओए चल मेरे साथ चल। अरे सर कहाँ ले जा रहे हो? तेरा एनकाउंटर करने चल मेरे साथ। अरे सर नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं तू चल तो सही है, तेरे को बोला ना सर ने, जाता क्यों नहीं है? अरे फ्रैंकलिन भैया जेल तो पीछे है। शिनचैन नहीं यार मुझे जेल में बात नहीं करनी है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों? शिनचैन यार अपने हिसाब से डील करना चाहिए बंदे को। अरे हाँ चल तू अपनी दिक्कत बता। अरे सर मेरे ना जापान में मेरी फैमिली है सर, उनकी तबीयत खराब है। ए जापान से हो? मैं भी जापान से हूँ। अरे 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 तुम मेरे दुख दर्द तुम समझ सकते हो सर। सर मेरे साथ ना ऐसा हुआ है सर, मेरी बीवी बच्चों की तबीयत खराब है, उनको किसी वायरस ने चपेट लिया सर। प्लीज सर मुझे उधर जाना है सर, मेरे को अपनी बीवी की। अच्छा किस नाम के है हॉस्पिटल में वो एडमिट है? अरे सर क्रेन जो हॉस्पिटल के नाम से। क्रेन जो है हॉस्पिटल जापान में? अरे हाँ सर। अच्छा वो जो बहुत फेमस है ना जापान में? अरे हाँ सर वो वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है उसमें। अच्छा बीवी बच्चे ना तेरा नाम क्या है? अरे सर मेरा नाम हिरोशिमा है। अच्छा हिरोशिमा, चल ठीक है रुक जाए एक सेकंड। अरे फ्रैंकलिन भैया किस पे कॉल लगा रहे हो? शिनचैन कंट्रोल रूम से बात करनी है, जापान के वहाँ पे बात करता हूँ। हेलो ऑफिसर मैं जापान में बात हो रही है मेरी।
तो गाइस यार मेरी ना जापान में बात हो चुकी है और यार मैंने इसकी बीवी के बारे में पता किया तो सही में यार शिंचन ये बंदा सही बोल रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया सच में? अबे हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया यार अब क्या करें यार, पुलिस वालों ने तो इसको चपेट लिया। अरे यार मेरी भी नहीं सुन सकते यार, अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो यार मैं क्रिमिनल माना जाऊंगा। अरे सर मेरे को बच्ची, मेरे को जाने दो। अच्छा रुक जा कुछ ना कुछ करते हैं शिंचन। अरे क्या करोगे फ्रैंकलिन भैया, चौप यार उधर ही है ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया तभी तो यार उनको भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाओगे या कुछ भी है। शिंचन ऐसी कोई बात नहीं है, एक सेकंड शिंचन मैं माइकल भाई को कॉल करके बुला लेता हूँ। माइकल भाई ना इसको ले जाएंगे और भाई साहब तू देख, माइकल भाई तेरे को इशारा करेंगे ना जो भी गाड़ी में बैठना तू चले जाइयो माइकल भाई की गाड़ी में और माइकल भाई देखेंगे आगे, उनके पीछे पुलिस पड़ेगी, माइकल भाई आगे संभाल लेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया माइकल दद्दा को पकड़ लिया तो शिंचन वो माइकल भाई है। अरे फ्रैंकलिन भैया हाँ ये भी बात है, ठीक है तो मैं माइकल भाई को कॉल करता हूँ। माइकल भाई रहा फ्रैंकलिन, माइकल भाई आपकी हेल्प की जरूरत है। रहा फ्रैंकलिन मैं तो यार हूँ, कहाँ पे है तू? माइकल भाई लॉस सेंटर्स की जेल के पास आ जाओ। अरे ठीक है मैं आता हूँ, दो मिनट रुक जा। तो शिंचन मैंने माइकल भाई को कॉल भी कर दिया और मैसेज में मैंने उन्हें सारा प्लान समझा दिया है। तो वो देख भाई मैं देख वहाँ पे ऐसा करियो तू भागने की एक्टिंग करियो और भाई साहब जैसे ही माइकल भाई आते हैं। अरे हाँ ठीक है थैंक यू सर आप बहुत अच्छे हो। अरे कोई बात नहीं यार, अभी देख मेरे माइकल भाई आते होंगे, वो मेरे भाई हैं। फ्रैंकलिन भैया ये तो सही है, हम भी नहीं फंसेंगे और सब काम हो जाएगा। अबे हाँ शिंचन। अरे अरे फ्रैंकलिन सर इधर क्यों खड़े हो? अबे रोको यार, अभी यार इसकी ना मैं देख रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। अरे सर इसको कहाँ लेके गए थे? तेरे को पता नहीं, हमारा वो कंट्रोल रूम में जो पर्सनल एरिया है वहाँ पे जाके मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। अरे सर उधर थे मेरे को लगा आप कहीं। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, अरे हाँ तो तू अभी इधर ही खड़े रही हो? अरे सर मैं कहाँ जाऊँगा, इधर ही खड़ा हूँ मैं। हाँ इधर ही खड़े रही हो? अरे सर, अरे सर आप तो बहुत ज्यादा ही डेंजर हो। अरे तेरे को अभी पता ही क्या है हमारे फ्रैंकलिन सर के बारे में? तू सब फ्रैंकलिन सर सबसे बड़े डेंजर है भाई साहब, तेरे को पता भी नहीं है। अरे अरे आया आया आया, अब पुलिस पीछे पड़ जाएगी। जल्दी बैठ इसके अंदर जल्दी बैठ। अरे अरे आप कौन हो? अरे अरे पकड़ो इसको, पकड़ो जल्दी पकड़ो पकड़ो, ये भाग रहा है। अरे हम बैठ गया। अरे अरे चलते हैं। तो गाइस देख रहे हो ना पुलिस कैसे पीछे पड़ गई है। बस यार पकड़ा ना जाऊं कि यार वो माइकल अंदर बैठा हुआ है तो यार फ्रैंकलिन भी जाएगा यार, फ्रैंकलिन की अभी नई नई नौकरी लगी है, फ्रैंकलिन भी खामोखा फंस जाएगा। तो गाइस मेरे को जल्दी से निकलना है। अरे अरे आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो और वो फ्रैंकलिन सर अपने जॉब। अरे अरे हम ऐसे ही हैं। अरे अरे आप लोग बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हो। अरे अरे मैं बोल तो रहा हूँ हम लोग ऐसे ही हैं। चल यार हम तेरे को छोड़ देंगे, तू अपना ना अपने जा करके अपने बीवी बच्चों का इलाज करवाइयो, तेरे को पैसों की भी दिक्कत पड़े ना हमें बता दियो। अरे अरे सर देखना। अरे अरे मेरे को अरे अरे किस गाड़ी में कौन बैठा है, रेड गाड़ी में कौन बैठा है, इसका ही साथी होगा, ये भी जासूस ही होगा। अरे अरे यार अब मैं पकड़ा गया तो अब बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अगर तूने सही में क्राइम किया होता तो मैं तेरे को नहीं बचाता और फ्रैंकलिन भी तेरा साथ नहीं देता। अरे हाँ सर लेकिन मैं क्रिमिनल हूँ ही नहीं। अरे हाँ वो हम समझ गए हैं, तू क्रिमिनल नहीं है लेकिन इसलिए हम तेरी जान बचा रहे हैं। यार तू यार निर्दोष व्यक्ति फंस जाता ना खामों का। अरे वो तो फांसी की धमकी दे रहे थे। अरे अरे कहीं नहीं देता यार फांसी, है चलना यार हमारे होते हुए यार ऐसी नहीं यार। देख फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अरे वो तो हमें पता ही चल गया। अरे अरे फ्रैंकलिन। अरे हाँ माइकल भाई क्या करते हो यार? अरे अरे फ्रैंकलिन वो मैं तेरे को एकदम से देख करके चौंक गया था। अरे अरे माइकल भाई यार। अरे अरे फ्रैंकलिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे माइकल दद्दू पागल हो गए हो क्या, कितनी बुरी तरीके से मारा। अरे सुन यार। अरे 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 फिर मार रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और कभी तूने कपड़े कब चेंज कर लिए? माइकल भाई ड्यूटी करते रहूंगा क्या?
तो माइकल भाई चलो यार इसको रवाना करते हैं। तू देख भाई तू आराम से चल जाए, किसी को कुछ मत कहियो, आराम से निकल जाए यहाँ से, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये अपना अड्डा है, यहाँ पे ट्रेवर भाई का सर राज चलता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, हर जगह तो हमारा राज चलता है। अरे हाँ माइकल भाई ये भी बात है। थैंक यू सो मच, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस से शुक्रिया अदा करूँ। अरे नहीं नहीं यार, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। अरे हाँ गाइस देख रहे कैसे यार कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया माइकल दद्दू तो ऐसे ही हैं गाइस, इन लोगों के लिए लाइक कर दो। अरे तो ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू आराम से जा। तो माइकल भाई देखना यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन यार, क्या बचा करके क्या अलग ही फील आ रहा है भाई। आप लोगों को भगवान आपकी लंबी उम्र दे। अरे आराम से जाना माइकल भाई, धागा ही खोल दिया इस गाड़ी ने तो। अरे अरे फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है हमारा, फ्रैंकलिन इसने धोखा नहीं दिया बिल्कुल भी। माइकल भाई अभी भी ऐसी शाइन कर रही है भाई साहब, कौन सी है ये? अरे अरे फ्रैंकलिन फरारी का भाई ये वाली तो खटारे सी है। अरे मेरे को पता है तेरी तरह। अरे क्या बात करते हो यार। अरे फ्रैंकलिन आवाज कैसी है? ए चुप सो रहा है ये अंदर घोड़ू कहीं का। अरे फ्रैंकलिन भाई सब सॉल्व हो गया क्या? अबे हां भाई हो गया। वाह भाई साहब यार। सो गाइस देख रहे हैं यार कैसे हमने निर्दोष की जान बचाई है। अरे गाइस यार निर्दोष की जान बचाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस यार ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो। गाइस यार आप लोग लाइक नहीं करते हो जिस वजह से यार हमारा चैनल यार बढ़ नहीं पा रहा है। अरे हाँ गाइस यार आप लोग की वजह से यार चैनल बढ़ नहीं पा रहा है। आज यार मैं भी इधर आकर के बोल रहा हूँ। अरे गाइस देखो आज तो माइकल भाई भी बोल रहे हैं, गाइस यार प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और गाइस यार प्रियांशु ओपी का कमेंट कर देना।